देखो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू। ओके, हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है वो देखा। आज हम लोग देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, क्या लिखा है देखते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस एट पुबर्टी एंड दोज चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 टू 30 डेज। दिस रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, देखो जब फीमेल बॉडी पूरी तरह से डेवलप हो जाती है, मतलब जब कोई लड़की मैच्योर्ड हो जाती है, एज ऑफ 14 टू 15 में वो मैच्योर्ड हो जाती है, तो होता क्या है, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आने लगते हैं। ओके, उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं, और वो चेंजेस एवरी 28 टू 30 डेज बाद रिपीट होते हैं एवरी मंथ। ओके, मतलब 28 डेज बाद वो चीज वापिस आएगी, वापिस 28 डेज बाद वापिस वो चीज रिपीट होगी, एवरी मंथ वो रिपीट होगी, उसे हम लोग बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल्स में। ओके, ये कब पॉसिबल है, देखो 14 टू 15 एज से पहले फीमेल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा 13 साल, उससे पहले किसी भी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। जब कोई भी लड़की 14 या 15 साल की लड़की मैच्योर हो जाती है तो उनका रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाता है। ओके, उसमें चेंजेस आने लगते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चेंजेस आने लगते हैं, और वो जो चेंजेस है ना 28 टू 30 डेज बाद रिपीट होने लगते हैं। मतलब समझो ये महीने में 28 डेट को आया तो अगले महीने भी 28 डेट को ही आएगा, या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, मतलब वो चेंज रिपीट होगा, उसे बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नेचुरल प्रोसेस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है कंट्रोल्ड बाय फोर हार्मोन्स। देखो ये आता कैसे है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल लड़कियों में है वो आता कैसे है, वो तैयार कैसे होता है, चार हार्मोन्स की वजह से। ओके, चार हार्मोन्स की वजह से, वो चार हार्मोन्स का नाम क्या है, देखो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, मतलब पहला हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। दूसरा क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कॉमल LH कॉमा, बाद में कौन है, एस्ट्रोजेन एंड बाद में है प्रोजेस्टेरॉन। तो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों आता है, इसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये चार हार्मोन्स है। ओके, फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों और कैसे आता है, उसका रीजन क्या है, ये चार हार्मोन्स, फीमेल बॉडी में ये चार हार्मोन्स तैयार होते रहते हैं। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई फीमेल मैच्योर्ड होती है तो उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आने लगते हैं, चेंजेस आने लगते हैं, और वो जो चेंजेस एवरी 28 टू 30 डेज बाद रिपीट होते रहते हैं। ओके, मतलब ये महीने में समझो 28 को आया, अगले महीने में भी एवरेज वही डेट को आना चाहिए, या थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, तो वो रिपीट होता है, उसे बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरली होता है वो, और वो उसे कंट्रोल कौन करता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल कौन करता है, ये चार हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये याद रखना है। ओके, वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट्स टू डेवलप अलोंग विद द ओसाइट प्रेजेंट इन इट। देखो अभी शुरुआत होती कैसे है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आता कैसे है? देखो हम लोगों ने देखा कि क्या लिखा है, देखो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स मतलब बैग्स, मतलब थैली। ओके, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे थैली होती है। ओके, फॉलिकल का मीनिंग क्या है, सैक, सैक मतलब एक तरह का थैली होता है, उसके अंदर होता है ओसाइट्स, उसके अंदर क्या होता है, ओसाइट्स होते हैं। ओके, ये हुआ फॉलिकल और उसके अंदर क्या है, ओसाइट्स, क्या बोला समझा, फॉलिकल मतलब क्या, फॉलिकल मतलब क्या, फॉलिकल मतलब एक तरह का बैग होता है वो। ओके, फॉलिकल मतलब क्या, एक तरह का बैग होता है, वो बैग के अंदर कौन होते हैं, ओसाइट, फीमेल सेक्स सेल्स, है ना, ओसाइट मतलब मैंने बताया था फीमेल के सेक्स सेल्स। ओके, या फीमेल जर्म सेल्स।
तो फॉलिकल के अंदर कौन प्रेजेंट है? ओसाइट्स। ओके, तो ये अभी ये जो फॉलिकल है ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं देखो, फीमेल्स में ओवरीज होती है। ओके, कितनी ओवरीज होती है? दो ओवरीज होती है। तो देखो डायग्राम हम लोगों ने देखा है उसका, देखो फीमेल्स में ओवरी कितनी होती है? दो। देखो यहां पे एक होती है, यहां पे एक होती है। तो ये जो फॉलिकल है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ओवरी में। कहां पे प्रेजेंट होता है? ओवरी में। ओके, ये जो फॉलिकल है ये कहां पे प्रेजेंट होता है? ओवरी में। फॉलिकल के अंदर कौन प्रेजेंट है? ओसाइट्स। फॉलिकल के अंदर कौन प्रेजेंट है? ओसाइट्स, ये याद रखना है। वन ऑफ द सेवरल फॉलिकल्स इन द ओवरी स्टार्ट टू डेवलप। तो ये फॉलिकल जो है, कुछ देखो बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं ओवरी के अंदर, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं। ओके, तो उसमें से कुछ फॉलिकल डेवलप होना चालू होंगे। क्या होना चालू होंगे? डेवलप। तो अब तक मुझे क्या पता चला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है फीमेल्स में, उसे कंट्रोल कौन करता है? ये चार हार्मोन्स FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, ये चार जन मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बोला कि फॉलिकल प्रेजेंट कहां पे होते हैं? फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं ओवरी के अंदर। ओके, फॉलिकल मतलब क्या? एक तरह का बैग। ओके, फॉलिकल मतलब क्या? एक तरह का बैग होता है, सैक बोलेंगे उसे हम लोग। ओके, तो ये जो फॉलिकल है कहां पे प्रेजेंट है? ओवरी के अंदर। मैंने लोकेशन बताया, ओवरी के अंदर प्रेजेंट है फॉलिकल। ओके, फॉलिकल के अंदर कौन है? फॉलिकल के अंदर है ओसाइट्स, फीमेल सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स बोलेंगे इसे फीमेल के। तो ये डेवलप होना चालू हो जाएंगे, ये मैच्योर्ड होना चालू हो जाएंगे। ओके, तो फ्लो तुम्हें याद रखना है कि ओवरी के अंदर है फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर कौन होता है? ओसाइट। ओके, तो ये जो फॉलिकल है वो डेवलप होना चालू हो जाएगा, ये जो फॉलिकल है वो डेवलप होना चालू हो जाएगा अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। देखो लॉजिक क्या है, ये जो FSH है ना, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये फॉलिकल को डेवलप होने के लिए हेल्प करेगा। ये जो हार्मोन है ना, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये क्या करेगा? फॉलिकल को डेवलप होने के लिए क्या करेगा? हेल्प करेगा। ओके, तो एकदम फ्लो से याद रखना है, चार हार्मोन है FSH, LH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ये चारों के चारों हार्मोन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं फीमेल्स में। ओके, ये चारों की वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में होता है। ओके, तो ये पहला पॉइंट मैंने बताया। सेकंड पॉइंट मैंने बोला कि ये जो फॉलिकल्स होते हैं, फॉलिकल्स, फॉलिकल्स मतलब क्या? एक तरह का थैली, पिशवी बोलेंगे मराठी में, एक तरह का थैली या बैग, वो कहां पे प्रेजेंट होता है? फॉलिकल प्रेजेंट होता है फीमेल्स के ओवरी के अंदर। ओवरी का लोकेशन मैंने अभी बताया। ओके, दोनों साइड में ओवरी होता है, तो वो ओवरी में फॉलिकल प्रेजेंट होता है। ओके, ये जो फॉलिकल है उसके अंदर कौन है? ओसाइट्स। फॉलिकल के अंदर कौन है? ओसाइट्स है। ओसाइट्स मतलब क्या? फीमेल जर्म सेल, मतलब फीमेल सेक्स सेल्स। तो अभी होता क्या है, ये जो फॉलिकल है ये डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं, ये मैच्योर्ड होना स्टार्ट कर देते हैं, और इनको मैच्योर्ड होने में हेल्प कौन करेगा? ये हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, समझाइए। ओके, आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। दिस डेवलपिंग फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन। ओके, अभी समझो ये दोनों भी डेवलप हो रहे, ये क्या है? फॉलिकल है। ये फॉलिकल क्या होना चालू हो गया? डेवलप, है ना, ये डेवलप हो रहा है किसकी हेल्प से? हेल्प कौन कर रहा है उसको? उसको हेल्प कर रहा है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ओके, तो अभी मुझे ये पता चला कि ये दोनों डेवलप होने लगे, सब जो दो है डेवलप होने लगेंगे। ओके, तो ये सिक्रीट करेंगे हार्मोन को, एस्ट्रोजन हार्मोन को, एस्ट्रोजन। ये देखो ये एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, इसका मतलब क्या है वो एकदम इजीली बता देता हूं। ये फॉलिकल डेवलप हो रहा है, तो ये डेवलपिंग फॉलिकल क्या तैयार करेंगे? एस्ट्रोजन को तैयार करेंगे वो। ये डेवलप हो रहा है ना, ये मैच्योर्ड हो रहा है, ये वाले फॉलिकल्स मैच्योर्ड हो रहे हैं। मैच्योर्ड हो रहे हैं मतलब क्या हो रहा है? वो अभी डेवलपिंग स्टेज पे आने लगे हैं, मैच्योर्ड होने लगे हैं। ओके,
तो ये क्या तैयार करना स्टार्ट करेंगे, एस्ट्रोजिन, ये वाला हार्मोन ये बनाएंगे। ओके, तो अब तक मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला फॉलिकल होते हैं ओवरी के अंदर, फीमेल में ओवरीज है, दो ओवरीज होती है फीमेल्स में, बराबर, कितने ओवरीज होती है, दो, तो ओवरीज के अंदर कौन होता है, फॉलिकल। ओके, और फॉलिकल का मीनिंग क्या है, एक तरह का बैग। ओके, बैग के अंदर कौन प्रेजेंट है, ओसाइड, ओसाइड मतलब क्या, फीमेल के सेक्स सेल या जर्म सेल, ये बैग के अंदर प्रेजेंट है। ओके, अभी ये जो फॉलिकल्स है ये डेवलप होना स्टार्ट होंगे, मैच्योर होना स्टार्ट होंगे, और उनको डेवलप होने के लिए कौन हेल्प करेगा, उनको हेल्प करेगा ये वाला हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये समझा जाता लग, ये हेल्प करेगा, ये हार्मोन इसको हेल्प करेगा, काहे के लिए हेल्प करेगा, इनको डेवलप होने के लिए हेल्प करेगा। ओके, अभी ध्यान दो, ये डेवलप हो रहे, ये वाले फॉलिकल क्या हो रहा है, डेवलप हो रहे, ये जब डेवलप होने के प्रोसेस में है ना, तो ये क्या बनाना चालू करेंगे, एस्ट्रोजेन, ये वाला हार्मोन ये बनाएंगे, ये डेवलपिंग फॉलिकल क्या बनाना स्टार्ट करेंगे, एस्ट्रोजेन। ओके, यहां तक तो क्लियर है। एंडोमेट्रियम ऑफ द यूटरस स्टार्ट टू डेवलप और रीजनरेट अंडर द इफेक्ट ऑफ एस्ट्रोजेन। देखो एंडोमेट्रियम होता कहां है, ये पहले देखते हैं। देखो ये जो यूटरस है, ओके, ये यूटरस है, तो ये व्हाइट लाइन दिख रहा है ना, इसे बोलेंगे एंडोमेट्रियम। ओके, ये जो यूटरस है उसके अंदर का ये जो व्हाइट लाइनिंग है ना, इसे बोलेंगे हम लोग एंडोमेट्रियम। ये भी डेवलप होना चालू हो जाएगा, ये जो लाइनिंग है इसे बोलेंगे, ये व्हाइट वाला लाइनिंग है, ये जो व्हाइट वाला लाइनिंग है ना यूटरस में, इसे बोलेंगे एंडोमेट्रियम। ये भी क्या होना चालू होगा, डेवलप होना चालू हो जाएगा, किसकी हेल्प से, एस्ट्रोजिन की हेल्प से, किसकी हेल्प से, एस्ट्रोजिन की हेल्प से, ये वाला लाइनिंग भी क्या होना चालू होगा, डेवलप होना चालू हो जाएगा। तो अब तक मैंने क्या सीखा वो देखते, देखो धीरे धीरे मैं बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल में चार हार्मोन्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला है FSH, दूसरा है LH, बाद में एस्ट्रोजन, और चौथा है प्रोजेस्टेरॉन। ओके, तो स्टार्टिंग क्या होता है, ओवरी के अंदर, देखो ओवरी कहां पे, देखो यहां पे ओवरी है, यहां पे और यहां पे ओवरी है। ओके, ओवरी के अंदर क्या होते हैं, फॉलिकल्स, ओवरी के अंदर क्या होता है, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे। ओके, फॉलिकल मतलब क्या, फॉलिकल मतलब एक तरह का बैग, उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, ओसाइड्स, उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, ओसाइड्स। तो इतना तो मुझे पता चला, ओवरी के अंदर कौन, फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर कौन, ओसाइड्स। ओके, अभी क्या होगा, ये फॉलिकल्स डेवलप होना चालू हो जाएंगे, ये क्या होना चालू हो जाएंगे, डेवलप, और इन्हें डेवलप होने के लिए कौन हेल्प करने वाला है, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मुझे पता चला। ठीक है, अब ये डेवलप हो रहा है, ये जब डेवलप हो रहा है तब ये क्या बनाएगा, एस्ट्रोजेन बनाएगा, क्या बनाएगा, ये एक हार्मोन तैयार करेगा, है ना, ये डेवलपिंग फॉलिकल क्या तैयार करेंगे, एस्ट्रोजेन, ये वाला हार्मोन ये तैयार करेंगे। क्या बोला, समझा अब तक, सिंपल है। देखो अगर फ्लो से जाओगे तो बहुत ज्यादा इजी है, रट्टा मारने जाओगे तो कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो ये जो डेवलपिंग फॉलिकल है वो क्या तैयार करेंगे, एस्ट्रोजेन को तैयार करेंगे। ओके, अब ये एस्ट्रोजिन क्या करेगा, एस्ट्रोजिन बना दिया, ये फॉलिकल ने किसको बनाया, एस्ट्रोजिन को बनाया, तो ये एस्ट्रोजिन जो है ना एंडोमेट्रियम को हेल्प करेगा डेवलप होने के लिए। अभी एंडोमेट्रियम किधर है, देखो ये फीमेल का यूटरस जो है ना, यूटरस, फीमेल का यूटरस, इसमें ये व्हाइट लाइन दिख रहा है, इसे बोलेंगे एंडोमेट्रियम, इसे बोलेंगे हम लोग एंडोमेट्रियम। तो ये एंडोमेट्रियम भी क्या होना चालू होगा, डेवलप होना चालू होगा। ओके, ये एंडोमेट्रियम भी डेवलप होना चालू होगा,
इसको कौन हेल्प करेगा डेवलप होने के लिए? एस्ट्रोजन। ओके, इसको डेवलप होने के लिए हेल्प कौन करेगा? एस्ट्रोजन हेल्प करेगा। ओके, ये याद रखना है, पूरा फ्लो याद रखो, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत इजी वे से बता रहा हूं, ध्यान दो अच्छे से। देखो वापिस एक बार चाहिए तो देखते हैं, ओवरी के अंदर प्रेजेंट कौन है? फॉलिकल। ओवरी के अंदर प्रेजेंट कौन? फॉलिकल। फॉलिकल के अंदर कौन? ओसाइट्स। ओसाइट्स क्या होते हैं? फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। ओके, तो ये फॉलिकल क्या होना चालू कर देगा? डेवलप होना चालू कर देगा। ये जो फॉलिकल है वो क्या होना चालू कर देगा? डेवलप होना चालू कर देगा। ये किसकी हेल्प से डेवलप होगा? ये किसकी हेल्प से डेवलप होंगे? FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, ये हेल्प करेगा इनको। अब ये डेवलप हो रहे हैं, ये डेवलप जब हो रहे हैं तो ये क्या तैयार करेंगे? एस्ट्रोजन को बनाएंगे, ये एस्ट्रोजन हार्मोन है। ओके, अब ये एस्ट्रोजन किसको हेल्प करेगा? यहां पे एस्ट्रोजन तो बन गया, ये एस्ट्रोजन किसको हेल्प करेगा? एंडोमेट्रियम को हेल्प करेगा। वो क्यों? इसको डेवलप होने के लिए। एंडोमेट्रियम का पे ये व्हाइट लाइनिंग है, उसे बोलेंगे एंडोमेट्रियम। ओके, ये एंडोमेट्रियम को एस्ट्रोजन हेल्प करता है, काहे के लिए? डेवलप होने के लिए। याद अलग क्लियर है? ओके, आगे अभी अभी समझ लो, ये डेवलप हो रहे थे, इन्होंने क्या बना दिया? एस्ट्रोजन को बना दिया। अब ये पूरी तरह से डेवलप हो गए, समझ लो, है ना। ये जब डेवलप हो रहे थे, इनका डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब प्रोसेस चालू था डेवलपमेंट का, तब इन्होंने किसको बनाया था? एस्ट्रोजन को। अब ये लोग का डेवलपमेंट पूरी तरह से कंप्लीट भी होगा ना, है ना। ये लोगों का डेवलपमेंट समझो कंप्लीट हो गया तो क्या होगा आगे देखो। Meanwhile, developing follicle completely developed, it bursts under the effect of luteinizing hormone. देखो, ये develop हो रहा था, ये develop हो रहा था, इसने क्या बना दिया? Develop होते होते, इसने develop होते होते estrogen को बना दिया, और ये estrogen ने किसको है जाके help करा? Endometrium को। हाँ, यहां तक तो clear है। अभी इनका development तो complete होगा ना, ये कभी ना कभी डेवलप पूरी तरह से हो जाएंगे, तो समझ लो ये पूरी तरह से डेवलप हो गए। ओके, ये पूरी तरह से डेवलप हो गए तो क्या होगा? ये अभी फूट जाएंगे, ये जो फॉलिकल है ये फूट जाएंगे, टूट जाएंगे। ओके, ये जो ये फॉलिकल मतलब क्या? एक तरह का बैग है, तो ये बैग फूट जाएगा। ओके, किसकी हेल्प से? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प से। ये जो डेवलप, ये डेवलप फॉलिकल है, ये डेवलपिंग फॉलिकल है। डेवलपिंग मतलब डेवलप हो रहे, चल रहा है उनका डेवलपमेंट। ये जब इनका डेवलपमेंट होते रहता है ना, चालू रहता है ना, तब ये एस्ट्रोजन को बनाते हैं। ओके, ये समझा? कभी ना कभी इनका डेवलपमेंट पूरा हो जाएगा, तो समझ लो कि इनका डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। चलो, इनका डेवलपमेंट क्या हो गया? कंप्लीट, पूरी तरह से डेवलप हो गए। तो अभी क्या होगा? तो ये फूट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये फूट, ये बैग्स फूट जाएंगे। ये फॉलिकल बैग्स क्या होंगे? फूट जाएंगे। किसकी हेल्प से फूटेंगे? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प से फूटेंगे। ये जो बैग्स है किसकी हेल्प से फूटेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प से वो फूट जाएंगे। तो इसमें से क्या बाहर आएगा ये तो बताने की जरूरत नहीं है अभी। ये क्या है अंदर? अंदर है ओसाइट्स, है ना। फॉलिकल के अंदर कौन प्रेजेंट होता है? ओसाइट। तो ये जब फूट जाएंगे तो बाहर कौन निकलेगा? ओसाइट्स बाहर निकलेंगे, है ना। तो बाहर कौन निकले? ओसाइट्स। इनको फूटने में किसने हेल्प की? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। हम लोग इसे देखो, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। ये पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम लोग? ओव्यूलेशन। मतलब क्या है? जो फॉलिकल डेवलप हो रहे थे वो अब पूरी तरह से डेवलप हो गए, मैच्योर हो गए पूरी तरह से वो। तो अभी वो क्या करेंगे? फूट जाएंगे। किसके हेल्प से फूटेंगे? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प से वो फूट जाएंगे। और क्या बाहर निकलेंगे उसमें से? ओसाइट्स। इसे हम लोग बोलेंगे ओव्यूलेशन। रिमेनिंग टिश्यू ऑफ द बर्स्ट फॉलिकल फॉर्म द कॉर्पस लैटम। अभी देखो, ये अभी आगे का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, मैंने बोला कि ये फॉलिकल क्या हो गए? फूट गए। तो इसमें से बाहर कौन आए? ओसाइट्स बाहर आए। ओसाइट्स बाहर आ गए। ओके, तो ये जब फूट जाएंगे तो इसके टुकड़े गिरेंगे, है ना। इसके टुकड़े गिरेंगे,
ये जो तुम्हारा फॉलिकल है, ये जो तुम्हारा जो फॉलिकल है ये डेवलप हो गया पूरी तरह से, तो ये क्या करेगा, फूट जाएगा। किसकी हेल्प से फूटेगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की हेल्प से ये फूटेगा। इसमें से बाहर कौन निकलेंगे? इसमें से बाहर निकलेंगे ओसाइड्स। अब ये जब ये जो फॉलिकल है ये जब फूटेगा तो इसके टुकड़े गिरेंगे ना, है ना, ये जो पूरा बैग है ये जब फूटेगा तो इसके टुकड़े गिरेंगे। ओके, तो ये जो टुकड़े ना इससे बनता है कॉर्पस लैटम। ये फूटने के बाद देखो ये फॉलिकल है, ओके, ये फॉलिकल फूट गया है, उसमें से बाहर कौन निकले, ओसाइड्स। तो ये फॉलिकल जब टूटेगा तो इसके टुकड़े नीचे गिरेंगे, है ना, तो ये टुकड़ों से क्या बनेगा, ये टुकड़ों से बनेगा कॉर्पस लैटम, कॉर्पस लैटम। ओके, इट्स लाइक अ टिश्यू, टिश्यू पेपर नहीं बोल रहा हूं, इट्स लाइक अ सेल। ओके, मतलब ये टुकड़े इकट्ठा होके एक तरह का सेल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एक तरह का सेल बन जाएगा, उसे बोलेंगे कॉर्पस लैटम। मैंने क्या बोला समझा? सिंपल लॉजिक है, ये डेवलप है। देखो मैंने कैसे याद रखा है, ये फॉलिकल डेवलप था, फूट गया, कैसे, किसने हेल्प किया फूटने के लिए, यूटिलाइजिंग हार्मोन ने। ओके, उसमें से बाहर क्या निकले, ओसाइड्स बाहर निकले, समझा। हाँ, ये फूटा ना तो इसके टुकड़े तो गिर जाएंगे ना नीचे, तो ये जो टुकड़े है ये एक साथ मिलके एक टाइप ऑफ सेल बनाएंगे, टाइप्स ऑफ सेल्स बना देंगे। ओके, और वो सेल्स का नाम होगा कॉर्पस लैटम, और ये कॉर्पस लैटम प्रोजेस्टेरोन बनाता है। क्या बनाता है? ये लास्ट वाला हार्मोन, समझे, मतलब ये लास्ट वाला हार्मोन बनाएगा, मतलब ये जो टुकड़े है ना इसके फॉलिकल के जो टुकड़े नीचे गिरे उससे क्या बना, एक टाइप ऑफ सेल बन गया। ओके, ये टुकड़े गिरे इकट्ठा आ गए और एक टाइप ऑफ सेल बन गया, तो ये सेल को बोला जाएगा कॉर्पस लैटम, और ये कॉर्पस लैटम किसको बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को, ये वाले हार्मोन को बनाएगा, समझे। अगर पूरा फ्लो में अभी याद करोगे तो थोड़ा इजी जाएगा। ओके, मैंने क्या बोला था, स्टेप बाय स्टेप याद करते हैं, ओवरी के अंदर कौन, फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर कौन, ओसाइड्स। ओके, फॉलिकल के, तो पूरा प्रोसेस को हम लोग याद करते हैं। देखो ओवरी के अंदर कौन, ओवरी के अंदर होते हैं फॉलिकल, है ना, ओवरी के अंदर होते हैं फॉलिकल, फॉलिकल के अंदर कौन, ओसाइड्स। तो फॉलिकल धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट करते हैं, किसके हेल्प से, FSH की हेल्प से, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की हेल्प से वो डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। डेवलप होते होते वो कौन सा हार्मोन बनाते हैं, एस्ट्रोजिन को बनाते हैं। एस्ट्रोजिन किसको हेल्प करता है, एंडोमेट्रियम को हेल्प करता है, मैंने बताया कहां पे होता है एंडोमेट्रियम। ओके, उसके बाद एक टाइम आएगा कि फॉलिकल पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा, तो डेवलप फॉलिकल क्या होता है, फूट जाता है, ये फूट गया, ये फॉलिकल फूट गया, उसमें से बाहर कौन निकलेंगे, ओसाइड्स। इसको फूटने में हेल्प कौन करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। हाँ, अब ये फॉलिकल फूट गया तो इसके टुकड़े गिरे, ये टुकड़े इकट्ठा होके एक टाइप ऑफ सेल बनेगा, एक तरह का टिश्यू बन जाएगा, उसे बोलेंगे कॉर्पस लैटम, और ये कॉर्पस लैटम किसको बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को बनाएगा। ओके, एंडोमेट्रियम ग्लैंड सीक्रेट देयर सीक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। देखो देखो इसे हम लोग ये लाइनिंग को मैंने बोला था एंडोमेट्रियम, सही है, तो होगा क्या, यहां पे क्या बन गया, ये कॉर्पस लैटम ने किसको बनाया, प्रोजेस्टेरोन को बनाया, तो अभी ये एंडोमेट्रियम है ना, इसमें से एक तरह का लिक्विड बाहर निकलने लगेगा, यहां से एक लिक्विड बाहर निकलने लगेगा, किसके हेल्प से वो लिक्विड तैयार होगा, प्रोजेस्टेरोन की हेल्प से वो बाहर निकलेगा लिक्विड। मतलब क्या है, यहां पे कॉर्पस लैटम किसको बनाएगा, प्रोजेस्टेरोन को। ओके, बन गया प्रोजेस्टेरोन, तो ये प्रोजेस्टेरोन काम क्या करेगा, ये जो प्रोजेस्टेरोन है इसका काम क्या है, ये जो एंडोमेट्रियम होता है इसमें से एक फ्लूइड बाहर निकलना चालू होगा, और वो फ्लूइड किसकी हेल्प से बाहर निकलेगा, वो फ्लूइड को बनाएगा कौन, प्रोजेस्टेरोन बनाएगा। ओके, यहां तलक तो क्लियर है, सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर द इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। देखो
तो एंडोमेट्रियम में से क्या बाहर निकलने लगा, एक तरह का लिक्विड बाहर निकलने लगा, और वो लिक्विड बनाने में हेल्प किसने किया, प्रोजेस्टेरोन ने किया। तो ऐसा एंडोमेट्रियम, देखो मतलब ये एंडोमेट्रियम है, यहां से लिक्विड बनना स्टार्ट होगा, यहां से लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट होगा, और ये लिक्विड किसके हेल्प से फ्लो होगा या बनाएगा कौन उसे, प्रोजेस्टेरोन। तो ऐसा एंडोमेट्रियम एम्ब्रियो को होल्ड करके रख सकता है, मतलब यहां पे एम्ब्रियो रह सकता है, ऐसी कंडीशन आ गई। इसका मतलब यह है कि वुमन वो टाइम में प्रेग्नेंट हो सकती है, चांसेस बढ़ जाएंगे, ये मतलब एम्ब्रियो होल्ड करने का चांसेस बढ़ जाता है। कब, जब ये एंडोमेट्रियम एक तरह का फ्लूइड फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। फ्लूइड बनाने के लिए हेल्प कौन करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन। ओके, तो ये तुम्हारा पूरा मेनस्ट्रुएशन साइकिल था। ओके, आगे देखो आगे क्या लिखा है वो देखते हैं। देखो हम लोगों ने देखा कि फॉलिकल में से बाहर कौन निकले, ओसाइट्स बाहर निकले, सही है ना, ये फॉलिकल फॉलिकल फूट गया। ओके, ये फॉलिकल है फूट गया, उसमें से बाहर कौन निकले, ओसाइट्स। अगर ये ओसाइट्स, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर ये ओसाइट्स 24 आवर्स में फर्टिलाइज नहीं हुए ना, मतलब क्या, इनका अगर यूज नहीं हुआ ना कुछ भी, ये ऐसे ही पड़े रहे या ये मैच्योर नहीं हुए, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, देखो फॉलिकल में से बाहर कौन निकला है, ओसाइट बाहर निकले। ओके, अगर ये ओसाइट फर्टिलाइज नहीं हुए, मतलब मैच्योर नहीं हुए ये, तो क्या होगा, कॉर्पस लैटम बिकम इनएक्टिव। देखो कॉर्पस लैटम हम लोगों ने देखा, ये जो टुकड़े इसमें ये फॉलिकल के जो टुकड़े गिरे उससे क्या बनता है, एक तरह का टिश्यू बनता है या सेल बनता है। ओके, टिश्यू बना, उसे हम लोग बोलते हैं कॉर्पस लैटम। और कॉर्पस लैटम किसको बनाता है, प्रोजेस्टेरोन को, है ना, अभी एक्सप्लेन किया मैंने। ये जो फॉलिकल है ये फॉलिकल जब डेवलप होगा तो ये फूट जाएगा, है ना, ये फूट जाएगा, उसमें से बाहर कौन निकलेंगे, ओसाइट्स। अब ये फूट गया, सही है, तो इसमें से इसके जो टुकड़े हैं वो गिर गए, ये फॉलिकल के जो टुकड़े हैं वो गिर गए, और वो जब एक साथ आ गए तो क्या बना, कॉर्पस लैटम। कॉर्पस लैटम किसको बनाता है, प्रोजेस्टेरोन को बनाता है, सही है। अभी ध्यान दो, ये जो ओसाइड बाहर गिरे ना, अगर ये डेवलप नहीं हुए ना 24 घंटे में, तो कॉर्पस लैटम इनएक्टिव हो जाता है, काम करना बंद कर देता है ये। अगर ये काम करना बंद कर दिया तो प्रोजेस्टेरोन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। देखो उल्टा प्रोसेस चल रहा है अभी, कॉर्पस, देखो सिंपल लॉजिक है, अगर ये ओसाइट्स डेवलप नहीं हुए, मतलब फर्टिलाइज नहीं हुए, अगर इन्होंने अपना काम नहीं किया, तो ये कॉर्पस लैटम क्या हो जाएगा, डेड, इनएक्टिव हो जाएगा, काम करना बंद कर दिया। अगर इसने अपना काम करना बंद कर दिया तो प्रोजेस्टेरोन होगा, रेडी होगा, नहीं, वही देखो, कॉर्पस एटम बिकम इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कॉर्पस अल्बिकन। ओके, ये जब इनएक्टिव होगा, ये अगर डेड हो गया ना, ये अगर काम करना बंद कर दिया, तो उसे बोलेंगे कॉर्पस अल्बिकन, ये याद रखना है। क्या बोला, समझा, देखो सिंपल एकदम फ्लो से याद रखो, ये जो फॉलिकल है उसमें से बाहर कौन आया, ओसाइड आ गया, ये ओसाइड अगर डेवलप नहीं हुआ ना, तो कॉर्पस लैटम काम करना बंद कर देगा। अगर इसने अपना काम करना बंद कर दिया ना, तो ये प्रोजेस्टेरोन बनेगा क्या, नहीं बनाएगा। और ये जब डेड होता है, इनएक्टिव होता है, तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम क्या बनता है, कॉर्पस एल्बिकन। ओके, समझा, ओके, आगे, ड्यू टू दिस सिक्रीशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, देखो मैंने क्या बोला, सिंपल लॉजिक है, प्रोजेस्टेरोन बनेगा क्या, अगर ये कॉर्पस लैटम ही बनना बंद हो गया, कॉर्पस लैटम किसको बनाता है, प्रोजेस्टेरोन को, अगर ये खुद काम करना बंद हो गया तो प्रोजेस्टेरोन बनेगा क्या, नहीं, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बनेगा और एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन बनना बंद हो जाएगा। एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजनरेट इन द एब्सेंस ऑफ दिस टू हार्मोन्स, मैंने क्या बोला था, हम लोगों ने सीखा था एंडोमेट्रियम भी डेवलप होना स्टार्ट होता है ना, हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा ना,
हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा था एस्ट्रोजन की हेल्प से कौन डेवलप होता है, एंडोमेट्रियम, स्टार्टिंग में देखा था ना, अभी मैंने एक्सप्लेन किया थोड़ी देर पहले, ये लाइनिंग को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, है ना। जब फॉलिक, देखो जब फॉलिकल डेवलपिंग स्टेज में होता है ना, जब फॉलिकल डेवलप होते रहता है तो वो कौन सा हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन, बताया था ना मैंने तुम लोगों को, है ना। डेवलप, फॉलिकल को डेवलप होने के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, FSH, स्टार्टिंग में ही बताया था मैंने भी, है ना। फॉलिकल को डेवलप होने के लिए कौन सा हार्मोन हेल्प करता है, FSH, ओके। मतलब क्या है, फॉलिकल अब डेवलप हो रहा है और जब वो डेवलप होते रहता है तो कौन सा हार्मोन बनाता है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम को डेवलप करने का काम करता है। एस्ट्रोजन क्या काम करता है, एंडोमेट्रियम को डेवलप करने का काम करता है। तो सिंपल लॉजिक है, अगर अगर एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है, प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा है, तो एंडोमेट्रियम डेवलप होगा क्या, नहीं होगा। देखो कैसे उल्टा प्रोसेस, देखो मैंने क्या बोला कि अगर ये फॉलिकल में से, ये फॉलिकल में से जो ओसाइड बाहर आया है ये अगर डेवलप नहीं हुआ है ना, तो कॉर्पस एटम क्या बन जाएगा, इनएक्टिव। इनएक्टिव मतलब ये अपना काम करना बंद कर देगा, तो इसका नाम बदली हो जाएगा, इसे बोलेंगे कॉर्पस अल्बिकन। कॉर्पस एटम किसको बनाता है, प्रोजेस्टेरोन को बनाता है। अगर ये खुद काम करना बंद कर दिया तो प्रोजेस्टेरोन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। अगर प्रोजेस्टेरोन नहीं बन रहा है तो एस्ट्रोजन भी नहीं बनेगा। अगर एस्ट्रोजन नहीं बन रहा है तो एंडोमेट्रियम डेवलप होगा क्या, नहीं होगा, तो उसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। टिश्यू ऑफ डीजनरेटेड एंडोमेट्रियम एंड फ्लोएम, तो ये काम करना, देखो एंडोमेट्रियम डेवलप नहीं होगा तो होगा क्या फिर आगे, टिश्यू ऑफ डीजनरेटेड एंडोमेट्रियम। तो ये जो एंडोमेट्रियम पे देखो, मैंने बताया ना ये व्हाइट लाइन को बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ओके। तो ये तो डेवलप हो रहा था ना, है ना, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन बनना बंद हो गया, तो ये एंडोमेट्रियम भी डेवलप नहीं होगा। तो इसके जो खराब हुए जो टिश्यूज है, एंडोमेट्रियम के जो खराब हुए टिश्यूज है ना, वो बाहर निकलना चालू होंगे वजाइना के थ्रू, ओके। देखो होता क्या, जरा बता देता हूं, देखो ये एंडोमेट्रियम था, है ना, एंडोमेट्रियम, ओके। अभी एस्ट्रोजन बन नहीं रहा है, प्रोजेस्टेरोन भी नहीं बन रहा है, तो एंडोमेट्रियम डेवलप होगा, ये डेवलप होगा क्या, नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे खराब होना चालू हो जाए, खराब मींस वो डीजनरेट होगा, डीजनरेट मींस व्हाट, वो जितना भी डेवलप हुआ है, देखो अचानक से ये पहले डेवलप हो रहा था, ओके, अभी हार्मोन्स ही बनना बंद हो गए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, तो ये इसका डेवलपमेंट रुक जाएगा। और इसके एंडोमेट्रियम के जो टिश्यूज है ना, वो वजाइना थ्रू बाहर निकलना चालू हो जाएंगे, और इसके साथ बाहर क्या निकलेगा, ओव्यूम्स, अंडे बाहर निकलेंगे, ओके, इसके थ्रू ओव्यूम्स, अनफर्टिलाइज्ड ओव्यूम्स, जो एग्स फर्टिलाइज नहीं हुए वो टिश्यूज के साथ बाहर निकलना चालू होंगे वजाइना थ्रू, और इसके साथ ब्लीडिंग भी होगा, और ये ब्लीडिंग 5 to 7 days चलता है, जिसे बोला जाता है मेनस्ट्रुएशन, ओके। मतलब सिंपल लॉजिक है, ये एंडोमेट्रियम काम करना बंद कर दिया, डेवलप होना बंद कर दिया ना, एंडोमेट्रियम डेवलप होना बंद कर दिया, तो अभी क्या होगा फिर, ये तो डेवलप ही नहीं हो रहा है, तो इसके जो टिश्यूज है, यहाँ पे जो खराब हुए टिश्यूज है, वो वजाइना थ्रू बाहर निकलेंगे, और इसके साथ और कौन बाहर निकलेगा, ओव्यूम्स, ऐसे अंडे जो डेवलप नहीं हुए। ओव्यूम किधर होता है, ओव्यूम होते हैं ओवरी में, ओव्यूम किधर होता है, अंडे किधर होते हैं, ओवरी, सॉरी ओविडक्ट में होते हैं ना ओव्यूम्स। ये कल हम लोगों ने देखा है, ओव्यूम्स होते ही किधर है, ओविडक्ट में, ये धीरे धीरे आगे सरकते हैं, ओके। अगर ये ओव्यूम्स डेवलप नहीं हुए ना, तो वो वजाइना थ्रू वो भी बाहर निकल जाते हैं, तो ओव्यूम्स भी बाहर निकलेंगे और एंडोमेट्रियम के जो डेड टिश्यूज है वो भी बाहर निकल जाएंगे। किसके थ्रू निकलेंगे, ब्लीडिंग के थ्रू, ब्लड के थ्रू वो बाहर निकलेंगे,
और ये ब्लीडिंग कितने दिन चलता है? 5 से 7 दिन चलता है। ओके, इसे बोलेंगे मेनिस्ट्रुएशन। कंप्लीट हो गया है। मैं बोलूंगा ये वीडियो को तुम लोग 3-4 बार देखो, और मैंने भी खुद बहुत बार रिवाइज किया है, अभी 3-4 बार देखो, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, इतना भी कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सिंपल लॉजिक था, बस तुम लॉजिक को याद रखो, आंसर को रट्टा मत मारो। ओके, ठीक है।